झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि मंदिर से सीधे तौर पर हजारों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। इसीलिए अब जब कोरोना की रफ्तार कम हो रही है तो मंदिरों को भी खोल दिया जाना चाहिए। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि दो चार दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की जो बैठक होगी उसमें राज्य भर के मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। कृषि विभाग और पशुपालन विभाग में अधिकारियों और कर्मियों की काफी कमी है, जिसके कारण कामकाज में काफी परेशानी हो रही है। विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि यह सब कुछ सरकार के संज्ञान में है, लगातार 2 सालों से कोरोना से प्रभावित रहा है, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार कम होते ही सभी विभागों में नियुक्तियां होंगी और कर्मियों की कमी दूर होगी। कोर्ट का गाइडलाइन आया था, आपदा प्रबंधन की बैठक उसी दिन थी, उसको उस गाइडलाइन के आलोक का परामर्श लिया जा रहा है और संभवतः अगली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। क्या निर्णय हो सकता है? बिल्कुल, हम तो सकारात्मक हैं क्योंकि चीजों को समझ रहे हैं और आस्था के साथ साथ लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। मैं खुद बहुत करीब से उन लोगों को जानता हूं और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं और उम्मीद है कि अगली ही बैठक में इन सब जगहों पर आपको गाइडलाइन के साथ पूजा पाठ शुरू करने का निर्देश। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।